एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, इस चैनल में आपको मिलेगी काफ़ी टैगी वीडियो और काफ़ी अर्निंग रिलेटेड वीडियो। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ये रेड कलर का बटन दिख रहा है, इसे क्लिक कीजिए और ये जो साइड में बेल का आइकन दिख रहा है, इस घंटे को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाए। और फ्रेंड, अगर आप मेरी वीडियो वॉच करने सकते हो तो प्ले लिस्ट या वीडियो में जाके आप वॉच भी कर सकते हो। तो ये सारी मेरी वीडियो है जो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं। और फ्रेंड, ये जेन्युइन वीडियो है, जो अर्निंग रहती है और जो फ्री गिफ्ट मिलते हैं वो सब कुछ इसी जेन्युइन वीडियो में, ठीक है फ्रेंड। और भी काफ़ी आपको इसमें कॉन्टेंट मिलेंगे अलग अलग, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके इन वीडियो के बारे में, ठीक है फ्रेंड। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, कमेंट करें। सॉरी, हेलो गाइस, तो आज एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में, ठीक है फ्रेंड, टर्की बॉय चैनल में। सॉरी फ्रेंड, अभी मैंने एक्चुअली आज ही मैं काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा आगे पीछे होने पड़ रहा है वॉल्यूम में, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है हमारी जो फीफा 21 है, वो मैंने प्री बुक काफ़ी पहले कर ली थी। आपको मैंने अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला था कि ऑलरेडी मैंने प्री बुक कर लिया है फीफा 21, तो वही मैं आपको आज शो करने वाला हूँ यहाँ पे। ये सुमित कुमार, अब कौन से अकाउंट में होगी वो मुझे चेक करनी होगी यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड, फीफा 21 स्टैंडर्ड एडिशन मैंने ऑलरेडी प्री बुक कर रखी थी काफ़ी पहले से ही, ठीक है। आई थिंक 1 मंथ हो ही गया होगा इसे प्री बुक किए हो, या 15 दिन पहले बुक की होगी, ऐसे कुछ फंडा रहा होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 24 डे 2 आवर 40 मिनट्स। तो फ्रेंड, अभी ये किसी ने मुझे अपना PS4 दिया था गेम लोड करने के लिए, तो मैं उसी के थ्रू ये वीडियो बना के आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको चेक भी करा देता हूँ कि ये मेरा ओरिजिनल मतलब मेरा ही अकाउंट है, किसी और का अकाउंट नहीं है, और गेम भी चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं फीफा 21, ठीक है। तो यहाँ पे फीफा 21 अभी शो नहीं हो रही, यहाँ पे अल्टीमेट एडिशन शो हो रहा है, स्टैंडर्ड एडिशन ये आ गया। और ये फ्रेंड, आई थिंक ये फ्रेंड जो गेम है ये PS5 के ऊपर भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो अगर किसी को चाहिए तो फ्रेंड आप मुझसे ले सकते हैं। जैसे मैं इसे रेंट पे प्रोवाइड करा रहा हूँ 3 मंथ या 4 मंथ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा और आपको इसका प्राइस भी बता दूँगा कितना है, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, या इंस्टाग्राम वगैरह में मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मुझे ग्रुप के अंदर ही मैसेज करें, क्योंकि मैं ओनली ग्रुप चेक करता हूँ, एक्स्ट्रा मैसेज जो आते हैं वो चेक नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ग्रुप हैं तो उनका मैस पड़ा होता है वहाँ पे, तो जो मैसेज हैं वो मैं सिर्फ ओनली ग्रुप के ही चेक कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे मैंने फीफा 21 ये प्री बुक कर लिया है। और मैंने जो गोस्ट ऑफ तुशामी थी उसकी भी वीडियो बनानी थी कि प्री बुक किया था मैंने डीलक्स एडिशन, बट मैं नहीं बना पाया। वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने प्री बुक की थी और अब मैंने उसे पूरा सोल्ड आउट भी कर रखा है। तो यहाँ पे होगी वो ये सुमित कुमार वाले अकाउंट में ही, क्योंकि ये मेरे सारे ओरिजिनल अकाउंट है फ्रेंड। आप ये ना सोचना कि मतलब मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड जो ये अकाउंट है ये मेरे खुद के जेन्युइन बाय किए हुए हैं। और जो उसी साइड है जिससे मैं ये गेम्स के लिए रिडीम कोड बाय करता हूँ वो है द गेम शॉप, ठीक है। उसके थ्रू मैं ये जो गिफ्ट कार्ड है वो बाय करता हूँ, जो कि आपको भी पता है 4000 का है, तो 4000 का ही मिलेगा। और अगर ये मैंने एक्चुअली 5000 का इसके लिए गिफ्ट कोड बाय किया था, क्योंकि ये 47 की थी और आई थिंक इसमें बैलेंस भी बचा होगा। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ बैलेंस, अब यहाँ पे चेक हो जाता है बैलेंस, वैसे अभी हो नहीं रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ जाता है कि आपके पास इतना बैलेंस पड़ा है, बट अभी यहाँ पे नहीं शो हो रहा। तो हम कुछ ऐड करके देख लेते हैं कार्ड पे, तो जैसे कि यही लगा लीजिए, ये भी मेरे पास पड़ी है मेरे ओरिजिनल अकाउंट में बाई की हुई, ठीक है। इसे हम ऐड करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 201 रुपया पड़ा है, शगुन का जो होता है वो पड़ा है मेरे पास, देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो कि पहले दिया जाता था, अब तो मतलब ज़्यादा ही हो गया है, 201 रुपये इसमें मेरे पास पड़ा है, ठीक है।
और ये देखिए गोस्ट ऑफ तुशामी डीलक्स एडिशन। तो फ्रेंड काफ़ी ऐसी गेम है जो मतलब मेरे को ठीक लगती हैं, तो मैं उन्हें बाय भी कर लेता हूँ और फिर उनके थ्रू सेलिंग भी कर लेता हूँ, तो थोड़ा जो पैसा है वो रिकवर हो जाता है। बट कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी जो आई थी डेथ स्टैंडिंग, उसमें मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, उसमें मुझे फुल लॉस ही हुआ, क्योंकि उसमें आई थिंक एक ही पर्सन ने वो गेम बाय की थी, जो कि उसने पे किया था 800 से 900, और गेम थी 4000 की। तो फ्रेंड कई बार आपको लॉस भी हो सकता है अगर आप इस बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। और अगर जेन्युइन काम करना चाहते हैं तो जेन्युइन काम पे तो लॉस होगा, अगर आप हैकिंग आइडियाँ सेल करते हो फिर थोड़ा अलग बात हो जाती है। बट ऑनलाइन के भी काफ़ी बंदे होते हैं, तो उन के लिए भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ किया जाए, तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं उतना प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये फ्रेंड आपको पता ही है, 4000 की गेम बाय करना कोई आसान बात नहीं है, और उन्हें 1000 या 1200 में सेल करना भी कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। और जो मैं FIFA 20 आपको 3 मंथ के लिए दे रहा हूँ फ्रेंड, उसे मैं आपको 1200 में दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 4 मंथ भी दे सकता हूँ 1200 में ही, ठीक है फ्रेंड। और जिसे ज़्यादा चाहिए उसके लिए फिर फ्रेंड अलग ही प्रोसेस होएगा, और लाइफ टाइम के लिए मैं ये FIFA 20 नहीं सेल कर पाऊँगा, उस चीज़ के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि अगर FIFA 20 मैं 4000 लाइफ टाइम के लिए सेल करता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक और अकाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर टोटल पुरानी ही जो मैंने FIFA 20 बाई की थी, वो मैंने 2 अकाउंट बाई किए थे और उसमें मेरा प्राइस हो गया था 8000। तो फ्रेंड उसमें सेलिंग हुई बट इतनी नहीं हुई, तो कई बार लॉस भी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट गेम के लिए भी क्योंकि पैसा हमें रिकवर करने पड़ता है, तभी हम आपको ऑनलाइन गेम प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी जो मैंने FIFA 21 प्री बुक की थी, ठीक है फ्रेंड। और गोस्ट ऑफ तुशामी भी प्री बुक की थी, बट मैं उसकी वीडियो आपको बना के नहीं दिखा पाया, तो उस चीज़ के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड हो तो कुछ नहीं है, बट मैं आपको ज़्यादातर यही सजेशन दूंगा कि अगर आप ऑफलाइन गेम लेना चाहते हैं और उसका प्राइस अगर 4-5 हज़ार का कोई आप पैक बाय करने की सोच रहे हैं, तो उससे बेटर मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कोई एक ही गेम लीजिए, एक ही गेम बट जेन्युइन गेम लीजिए, क्योंकि वो आपकी पूरी ज़िंदगी चलेगी, ठीक है, लाइफ टाइम वाली हो जाती है, और वो आपकी पर्सनल होगी, ना कि आप मुझसे ले रहे हो ना ही किसी और से, ठीक है। और अगर वो न्यू गेम है तो आप उसे आगे सेल करके भी थोड़ा पैसा अर्न कर सकते हो, जैसे कि मतलब अगर आप 4000 की गेम ले रहे हो तो उससे आप रिकवर कर सकते हो 2000, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ओनली 2000 ही रिकवर कर सकता हूँ, बाकी मैं खुद प्ले कर लेता हूँ या जो मेरा पार्टनर है वो प्ले कर लेता है, ठीक है। तो उस तरह से हम गेम्स बाय करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप गेम्स नहीं बाय करते, आप सिर्फ सेलिंग पे आना चाहते हैं ऑनलाइन गेम के लिए, तो आप कभी भी गेम्स ये बाय ना करें, क्योंकि आप फिर पक्का लॉस्ट में जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड बस यही मैं आपको थोड़ी जो बातें हैं वो बताना चाहता था, और फीफा जो हमारा टाइटल है वो तो है FIFA 21 की प्री बुकिंग के रिलेटेड, बट थोड़ी बहुत इन्फो आपको मैं देना चाहता था, ठीक है फ्रेंड। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और फ्रेंड जो पबजी है, पबजी उसका भी मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं काफ़ी वीडियो बना रहा हूँ, तो उसकी भी रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो iOS वाले ऑपरेटर हैं उन्हों के लिए क्या बेनिफिट रहता है iOS का, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, ओके बाय।